नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक, को-फाउंडर इलन मार्केट स्टॉकेज का, और आपका स्वागत है मार्केट साला सीरीज में। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस सीरीज के अंदर में हम कई कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और उन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ चेतन भाई इस सीरीज में जुड़े हुए हैं। नमस्कार विवेक जी, नमस्कार मित्रों। नमस्कार चेतन भाई, एज यूजुअल आप हमारे साथ जुड़े हुए इस सीरीज में, जहां पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कई कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी सरल भाषा में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है आज भी इस वीडियो के लिए। धन्यवाद चेतन भाई। मैं इस शनिवार को आपका एक वेबिनार अटेंड किया था, जो हमने इलन मार्केट्स में आपके चाहने वालों के लिए होस्ट किया था, और उस वेबिनार के अंदर में आपने ऑप्शंस के बारे में हमसे बात की थी, और करीबन 350 लोगों ने उस वेबिनार को अटेंड किया, और मैं सही मायने में बोलूं कि वो बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार था। धन्यवाद। और उस वेबिनार के अंदर में चेतन भाई आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, और कई लोग जिन्होंने फीडबैक दिया बाद में, और इट वॉज़ सुपर्ब फीडबैक विच वी रिसीव्ड, और कई लोग जिन्होंने फीडबैक दिया था वो आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं वो वेबिनार का एक एक्सटेंशन इस YouTube में करूं, जहां पर मैं लोगों को बताऊं कई जो पॉइंट जो उनके क्वेश्चन अनआंसर रह गए, और कुछ बातें उस वेबिनार में जो आपने कही थी मैं चाहूंगा कि आप इस फ्री वीडियो में भी दोहराएं। तो उसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो थी ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेतन भाई, हम लोग देख रहे हैं मार्केट में ऑप्शन सेलिंग की बहुत बात हो रही है, और लोग कहते हैं कि बेचो पैसे अच्छे बनेंगे, बट बायर को टिपिकली माना जाता है कि वो पैसा खोने के लिए ही बना है। तो इस वेबिनार में आपने एक पर्सपेक्टिव दिया था कि कैसे बायर भी ऑप्शन के अंदर में पैसे कमा सकते हैं, तो मैं चाहता हूं आज उसके बारे में आप चर्चा करें। राइट विवेक जी, क्या है कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बीच में लड़ाई रहती है, ऐसा देखा गया है और ऐसा बोला गया है कि ऑप्शन बायर लूजेज मनी 95% ऑफ द टाइम। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी, ऑप्शन बायर में उसका एक लिमिटेड रिस्क है, जितना पैसा वो प्रीमियम में लगा रहा है वही उसका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और जो ऑप्शन सेलर या राइटर होता है उसको पैसे तो आते हैं लेकिन जब नुकसान लगता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो मैंने इस वेबिनार के द्वारा ये बताना चाहा लोगों को कि ये ज़रूरी नहीं है कि एज अ ऑप्शन बायर आप पैसे हमेशा खोएंगे, 25% समय ही ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। तो वो 25% हिस्टोरिकली बैक टेस्टेड कौन सा समय है, मैंने बैंक निफ्टी एज ए इंस्ट्रूमेंट लिया था, मैंने वो दर्शाया है। तो मैंने तीन आउटलुक निकाले हैं। तो पहला आउटलुक था ट्रेंडिंग डे क्या है, उसको दर्शाया गया है। दूसरा, कौन से समय में इवेंट ट्रेडिंग में आपको पैसे आ सकते हैं, और तीसरा, कब हाई एक्टिव मार्केट इंस्टीट्यूशनल और HNI पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी में होता है, जहां पे ट्रेंडिंग मूव्स सिंगल डायरेक्शन मूव्स ऊपर या नीचे आती है। ये तो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कि जब भी आप बायर बन रहे हैं तो आप वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, और आपने एक आंकड़ा भी दिया है कि 25% टाइम ही ऑप्शन बायर पैसे कमाता है। तो इसका मतलब आप वेट करेंगे कि कब वो 25% टाइम आएगा और शायद वो एक ब्रेकआउट का जोन आएगा जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया था विवेक जी कि ऑप्शन बायर नक्सल या माओइस्ट रहता है। अगर आपने देखा होगा, नक्सल या माओइस्ट कभी भी आपको रस्ते में नहीं दिखेंगे। जब अटैक होता है वो लोग घुसते हैं, अटैक करके वापस अपने बिल में चले जाते हैं। तो ऑप्शन बायर अगर मार्केट में रहेगा हमेशा तो उनको नुकसान है। आया, उसका इवेंट आया, उसने ट्रेड किया, ट्रेड करके वो वापस चला गया। दोस्तों, ये बात आप गौर कीजिए कि जनरली ऑप्शन बायर को हेजर के रूप में जाना जाता है, और उसको बोल दिया जाता है कि भैया तू पैसा खोने के लिए ही बना है, बट यहाँ पर चेतन भाई ने कितनी अच्छी एनालॉजी दी है कि वो एक नक्सलवादी की तरह है कि जब मौका मिलेगा अटैक करेगा और अपना काम करके निकल जाएगा। चेतन भाई, मुझे पता है ये वेबिनार बहुत डेप्थ में था, उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे तक आप, आई थिंक 3 घंटे के लिए, नहीं 2 घंटे के, 2 घंटे में आपने पूरी एनर्जी डाल दी थी उसके अंदर में। तो हम चाहेंगे कि लोग वो वेबिनार
को भी सब्सक्राइब करें, और उस वेबिनार का लिंक इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है जहाँ पर एक कूपन कोड भी है, तो आप चाहे तो वो वेबिनार को खरीद के हमको सपोर्ट कर सकते हैं, चेतन भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे जो यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप कुछ दृश्य दिखाइए उस वेबिनार के, कि क्या आप उसमें बोलना चाह रहे थे, और अगर आप कोई चार्ट दिखा सकते हैं, कुछ अगर प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी लोगों को मिले। राइट, तो मैं पहले वाला एग्जांपल आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने वेबिनार में किया है। ट्रेंडिंग डे क्या है विवेक जी, आपके हिसाब से मार्केट का ट्रेंडिंग डे का क्या डेफिनेशन होगा? जब आइदर पार्टी बायर या सेलर एक दूसरे के ऊपर में भावी हो जाए तो वो फिर ट्रेंड डिफाइन करता है। राइट, तो अगर अपने उसको एग्जांपल लेते हैं, जो भाव में मार्केट खुलता है जिसको अपने ओपनिंग प्राइस कहते हैं, अगर ओपनिंग प्राइस लो प्राइस के पास है, ओपन नियर और इक्वल टू द लो, और वहां से बड़ी बाइंग आई और सेलर कुछ नहीं कर पा रहा और बायर हाई प्राइस में बंद कर रहा है, तो ये कैंडल की साइज बन जाती है जिसका रियल बॉडी है। तो उसमें क्या हुआ, मार्केट खुला, खुल के वहीं उसने लो बनाया, लो बना के वहां से बायर ने एग्रेसिव बाइंग की, एक बड़े डिस्टेंस से चला, चल के वो हाई पॉइंट में बंद करता है। सिमिलरली जब मार्केट बेरिश या मंदी के ग्रिप में होती है तो क्या होता है, मार्केट खुलता है, वो हाई प्राइस बन जाता है, वो हाई प्राइस बन के वो नीचे आता है, और वो क्लोज कहां करता है, नियर द लो ऑफ द डे। तो ये ट्रेंडिंग डे है। अब ये ट्रेंडिंग डे की पकड़ विवेक जी होती है पहले 15 या 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग में, वहां पे बायर या सेलर का अग्रेशन दिखता है। तो एक मैं दर्शक को बता देता हूं कि कभी भी कोई मेजर इवेंट आता है, बजट, इलेक्शंस, उसके नेक्स्ट डे काफी बड़ा मूव आता है। राइट, तो अभी अपने चलते हैं, जुलाई 5 को बजट आया था। ओके, तो अभी मैं आपको चार्ट ले जाता हूं investing.com। अब ये investing.com में अगर आप देखते हो, अगर आप ये देखते हो, ये बजट वाला दिन था 5 तारीख को। राइट, चॉपी मूवमेंट था मार्केट का, कुछ खास नहीं हुआ था, मार्केट एक रेंज में था। अभी आप कलर जो देख रहे हैं, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है बजट के बाद, देखिए गैप डाउन और खुल के अबव एवरेज वॉल्यूम्स, बहुत हैवी वॉल्यूम्स में सेलिंग हो रही थी। पहले 15 मिनट का कैंडल देखिए, जनरली ट्रेंडिंग डे कैरेक्टराइज्ड होता है विथ पॉसिबली अ गैप डाउन और अ ब्रेक डाउन और अ ब्रेकआउट ऑफ मल्टी डे लोअर हाई। 2-3 दिन 4 दिन का एक जो लोएस्ट लो लेवल रहता है वहां से मार्केट टूटता है। जनरली एक रेंज कंसोलिडेशन भी देखा जाता है ट्रेंडिंग डे के पहले। अगर आप देख रहे हैं कलर होने के बाद, मार्केट नीचे खुला, खुल के नीचे जा रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, और मार्केट एग्जैक्टली नीचे जाते गया, पूरा दिन नीचे रहा। मार्केट खुला हाई इक्वल्स टू ओपन, जहां खुला वहीं हाई बन गया, हैवी वॉल्यूम सेलिंग। पहले 15-30 मिनट के बाद ही आपको पता चल गया कि ये सेलिंग अबव एवरेज है, और नीचे नीचे जो डायरेक्शन है वहां पे मार्केट चलता गया और पूरा दिन सेलिंग रहा और बंद किया नियर द डे लो। तो अगर आप इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो ये पूरा ट्रेंडिंग डे बन जाएगा मार्केट में। ये देखिए, दिस इज योर डे फॉर जुलाई 8th, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ले जा रहा है आपके, आ रहे हैं अपने, ये देखिए पूरा नीचे इसने 5-6 दिन की तेजी को खा लिया एक सिंगल डे में। सिमिलरली ये भी एक आपका ट्रेंडिंग डे बना है। राइट, तो ये ट्रेंडिंग डे को मैंने हाईलाइट किया था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जनरली नॉर्मल डे में विवेक जी क्या रहता है, पहला 15 मिनट जो दिन का रहता है वो जनरली पूरे दिन का जो हाई लो का 55-60% का साइज में रहता है। अच्छा। लेकिन ट्रेंडिंग डे में ये 10-15% ही पहला 15 मिनट का हाई लो का वैलिड रहता है। तो ये दिन ऑप्शन बायर का पैसे बनाने का दिन है, क्योंकि यहां पे आपको 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी सिंगल डे में ऊपर या तो नीचे मिल जाते। ये अच्छा पार्ट है। अब इसकी खराब पार्ट, ये महीने में चार से पांच दिन ही आएगा। राइट, तो अगर आप ये सोच रहे कि मैं ट्रेंडिंग डे करके रोज कमा लूं, नहीं हो सकता।
चेतन भाई, मैंने एक अभी हम फ्री सेमिनार भी कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू 8 cities, तो वहाँ मैं दिल्ली में अभी सेमिनार किया था जहाँ पर दीपक वन ऑफ द स्पीकर थे, तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में रहेगा, 20% ऑफ द टाइम ट्रेंड पकड़ता है, और हम लोग सब जो मार्केट में ट्रेड करते हैं वो छुटके छुटके ट्रेंड ढूंढते रहते हैं, और वहीं पर ही हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गलत पड़ते हैं। तो जो आपने ये बात बोली ना कि महीने में 4 दिन 5 दिन ही वो ट्रेंड मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्ली ट्रेड करना होगा, बट उसके लिए मार्केट में तो रहना ही पड़ेगा कि पता नहीं है वो कौन सा दिन। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको पकड़ आनी चाहिए कि ट्रेंडिंग डे कहाँ है। तो मैं जनरली पहले आधे घंटे में पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर को समय देना होगा। आप जितना लेट ट्रेंड को पकड़ना है उतने आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 के पास रहेगी। ट्रेंडिंग डे एक ऐसा लुकआउट है जहाँ पे आपकी 50 रुपये की कॉल या पुट 150-200 रुपये बन सकती है, लगने को 20 रुपया, आने को 125 रुपया। तो चेतन भाई, एक और बात है इसके अंदर में, जो ऑप्शंस के अंदर में बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनको ये कंसेप्ट भी पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इसका मतलब मार्केट के अंदर में वोलेटिलिटी और अंडरलाइन के बीच में एक रिलेशनशिप है। जब भी मार्केट में कोई इवेंट होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है जिसके कारण प्रीमियम का दाम बढ़ जाता है, और जब भी वो इवेंट ख़त्म होता है तो एक वोलेटिलिटी के कारण एक क्रैश आता है। तो उस सिचुएशन के अंदर में अगर आप बायर हैं और आप वोलेटिलिटी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तब फिर आप अपने रिस्क को कैसे हेज करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक रूल क्या होता है, जब ये बड़े इवेंट आते हैं, इलेक्शन, बजट, जब तक ये इवेंट ख़त्म नहीं हो जाते तब तक IV, जो आपने बोला कि बाजार में अनसर्टेनिटी है, तो ऑप्शन के दाम घटते नहीं है, बिकॉज वो इवेंट मेरे को और आपको पता नहीं रहते। तो हमेशा अपने को ख्याल है जब तक वो इवेंट ख़त्म नहीं हो रहा तब तक प्रीमियम बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकता। लेकिन जैसे इवेंट ख़त्म हो गया है उसके 1 या 1.5 दिन तक अपने को ऑप्शन बायर नहीं बनना, क्योंकि तब वो IV क्रैश होती है। जब वो IV क्रैश होती है तब अपने को ऑप्शन बायर वो 1 से 1.5 दिन ट्रेडिंग नहीं करना एज एन ऑप्शन बायर। तो इसका मतलब ये जो आप बाइंग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं या कोई जो इवेंट है जो ब्रेकआउट देगा, तो उस समय तक ये इवेंट इंटैक्ट है। Absolutely. अगर इवेंट का डिसीजन होने वाला है, से अगर हमने बजट की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो बजट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वोलेटिलिटी के कारण प्रीमियम क्रैश करेंगी, तो आपको भी अपना लॉन्ग पोजीशन को उसके पहले स्क्वायर ऑफ करना है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक इसका बजट का इंपैक्ट एब्सोल्युटली खत्म हो गया था, प्रीमियम के जो श्रिंकेज थे मोटा मोटी हो गए थे उसी दिन में और नेक्स्ट डे सवेरे, तो अपने को काफी सस्ता में प्रीमियम मिल गया था। और ये पर्टिकुलर डे में बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स थे 30 रुपीज वाले 150 रुपया हो गए थे। राइट। ये तो वीडियो बैंक निफ्टी के अराउंड और जो भी चेतन भाई ने कहा वो तो वेबिनार में है ही, तो हम लोग सबको तो वो वेबिनार भी देखें, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब भी वो वेबिनार को देखें, क्योंकि उसके अंदर में और इलैबोरेट तरीके से कंसेप्ट चेतन भाई ने समझाया। चेतन भाई, एक क्वेश्चन मेरा ऑप्शंस को लेके है इसी कंसेप्ट के अराउंड में, कि जो बायर ऑफ द ऑप्शन है टिपिकली वो पैसे नहीं बनाता है, और आप कह रहे हैं कि भाई आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी पैसे बनाने के लिए, बट सेलर ऑफ द ऑप्शन कहते हैं कि काफ़ी पैसे बनाता है, और काफ़ी लोग हैं मार्केट के अंदर में जो क्लेम करते हैं कि सेल कर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप भी बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं, वो है बैंक निफ्टी और वीकली कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सट्टेबाजों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आ गया कि लोगों के पास काम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया। तो मैं ये दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन अगर पूछूं कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर में वीकली एक्सपायरी में काम करना है एज अ बायर जिसका चांस कम है पैसा बनाने का, तो आप कैसे अप्रोच करें? मैं हमेशा ये देखा गया है कि ऑप्शन बायर में जो गामा का एडवांटेज है वो लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी में, 1 बजे के बाद 3:30 के बाद जो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये की ऑप्शन वैल्यू हो जाती है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। तो अगर एज ए ऑप्शन बायर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और आप देख रहे हैं एक रेंज कंसोलिडेशन हो गया, बड़ी मूवमेंट देने वाली है आपको, जहां मूवमेंट का फर्स्ट स्ट्राइक पता चलता है ऑन अ थर्सडे एक्सपायरी डे 1 बजे के बाद, जरूर एक बार ट्राई लेना चाहिए 2-4 रुपये का। अगर कोई जोर से मार्केट गिरा है, नीचे मिल रहा है, सपोर्ट होल्ड कर रहा है 15-20 मिनट 1 बजे के बाद, तो वहाँ का 2 रुपया का ऑप्शन अगर बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट आती है तो 7-8-9 रुपया दे सकता है, लगने को 1 रुपया है।
और यही बात जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो उनको उसको इस तरह से बताते हैं कि अगर भाव गिर गया है और ऊपर में कॉल ऑप्शन है जिसका 7-8 रुपया दाम है तो आप उसको बेच दीजिए बिकॉज भाव आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। राइट, ऑप्शन सेलर 80% ऑफ द टाइम पैसा बनाता है लेकिन बहुत लिमिटेड पैसा बनाता है, जितना प्रीमियम बेचता है वही उसकी मैक्सिमम कमाई है। ऑप्शन बायर के चांसेस कम रहते हैं लेकिन उसकी जो कमाई होती है प्रॉफिट जब वो राइट होता है मल्टीपल टाइम्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट है। 5 रुपया का ऑप्शन 500 रुपया विवेक जी बिकता है, मैंने बहुत बार एक्सपायरी में देखा गया है और देखा है। अगर आप दर्शकों को देखना है तो मई 2018, मई 2017 और मई 2016 ये 4 सीरीज के लास्ट थर्सडे आप देखिएगा, 2-2 रुपया वाले ऑप्शन 200 रुपया से 500 रुपया बिके। तो क्या एक ऑप्शन में ट्रेड करने वाला बंदा बायर भी बन सकता है और सेलर भी बन सकता है? जरूरी। देखिए ऑप्शन सेलर और बायर की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। अगर एक ऑप्शन 200 रुपया चल रहा है वो क्या हो रहा है, 200 रुपये से घटते घटते 80 रुपये आता है, वो एक साथ जीरो नहीं हो जाता, वो 80 से 160 जाता है, 160 से वापस 50-40 आता है, फिर 80-90 जाता है और फिर जीरो हो जाता है। तो ये एक फेजेज में जाता है। तो ऑप्शन राइटर पैसा बना रहा है 3-4 दिन, एक दिन ऑप्शन बायर बना रहा है, फिर राइटर बना रहा है 2 दिन तो एक दिन बायर बना रहा है, और ऐसे 4-5 महीने 3 महीने में एक ऐसी एक्सपायरी आती है जो वन साइडेड मूवमेंट देती है, 50 रुपये वाला वो 600 रुपया हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ कैसी है टेक्निकल में, आपको नॉलेज है कि नहीं कब मूवमेंट आता है, कौन से टाइम में इवेंट में आपको कहाँ खेलना है। जैसे मैंने एक्सपायरी डे का इवेंट का बताया विवेक जी वेबिनार में, वो क्यों है उसकी एक नॉर्मल लॉजिक मैंने दी, रोल ओवर्स होते हैं प्लस बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल एंड पुट में दे आर नेट लॉन्ग, तो उनको पता है कि ये वोलेटाइल मूवमेंट आने से मेरे जो कॉल या पुट ऑप्शंस है वो इन द मनी होंगे तो मेरे को पैसा आएगा। सो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, आपने ट्रेड किया, आपके ट्रेड के साथ आप उसको लर्निंग्स को एक्सेंचुएट करके उसको सिस्टम्स में कन्वर्ट कर रहा है। राइट। अच्छा मैं आपसे अगर एक चीट शीट मांगू कि सब मुझे चीटिंग करना मार्केट से, और मैं सुबह आया मार्केट में बैठा और मार्केट का पहला 15-20 मिनट में मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे आज बायर बनना है कि सेलर बनना है, तो आप मुझे क्या चीटिंग शीट? मैं आपको खाली एक हिंट देता हूँ विवेक जी, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा लेकिन दर्शकों के लिए एक हिंट देता हूँ, अगर पहला 30 मिनट में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करंट मंथ 5,15,000 के ऊपर वॉल्यूम होता है 70% ऑफ द टाइम नेक्स्ट 40-45 मिनट में बाजार ट्रेंडिंग होगा ऊपर या नीचे। 5,30,000 से 45,000 वॉल्यूम पहला 30 मिनट, ये फर्स्ट साइन है कि मार्केट में एक्टिव बायर या सेलर घुस गए। देखिए दोस्तों यही फायदा होता है कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उनके साथ में जो एक्चुअली में मार्केट में इन्वॉल्व है, जिनका पैसा लगा हुआ है, जो ट्रेड करते हैं, जो खाली ज्ञानबाजी नहीं करते हैं, कि इनको पता है कि वो 5,30,000 से 35,000 से 45,000 ही शेयर हैं जो जितने ट्रेड होंगे उसके बाद में एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो ये तो बहुत ही सरल और बहुत ही सटैक चीट शीट आपने दे दी चेतन भाई, थैंक यू विवेक। होप करते हैं कि वो डेटा जो है हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं, हमको उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बट मैं एक कैवियट थ्रो करता हूँ कि मार्केट चेंज होता है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के करेक्टर्स चेंज होते हैं, तो जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो जुलाई में 2019 में, ये डेटा हो सकता है कि एक क्वार्टर के बाद या एक साल के बाद में ये डेटा भी चेंज होए। तो कैवियट दे देता हूँ, ये 2016 से लेके 2019 तक का टेस्टिंग किया हुआ। बताइए, तो इतना सटैक और इतना कॉन्क्रीट बात आपके साथ में कोई और करेगा नहीं। तो चलिए चेतन भाई, आज के लिए ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतना जुड़े हुए हैं और हमको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं, और मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है, मुझे आशा है कि हमारे यूज़र्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। चेतन भाई, ऑप्शंस को लेके बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, लोगों को लगता है कि इसमें पैसे छाप सकते हैं, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हैं हमारे पास में, तो हम और भी वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऑप्शंस रिलेटेड और बातें हमारे साथ करते रहिए। थैंक यू। दोस्तों ये आपने देखा कि कैसे हम चेतन भाई के साथ में आपको एक अच्छे वीडियो
बेस पे लेके जा रहे हैं, अच्छा कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत सीधा काम करना है, ये वीडियो लाइक करना है, इसमें कमेंट देना है और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करिए, बिकॉज बेल होगा तभी तो पता लगेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप भी, और ये पूरे मेहनत का फायदा ज़रूर है ये। धन्यवाद मित्रों। एक मिनट विवेक जी, आपको टोकूंगा। विवेक जी पूरे इंडिया का दौरा कर रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन में, इस सप्ताह मुंबई जा रहे हैं, बाकी सारे उनका प्रोग्राम लाइंड अप है। काइंडली सपोर्ट करिए, जिनको सीखना है फ्री प्रोग्राम है, प्लीज़ गो अटेंड करिए और सपोर्ट करिए विवेक जी का जो एंडेवर है और इलियन मार्केट्स का एंडेवर। तो इस वीक बॉम्बे है, नेक्स्ट वीक कैलकटा, चेन्नई, बैंगलोर सब लाइंड अप है। काइंडली देख लीजिए क्या कैलेंडर है और प्लीज़ रजिस्टर करवाइए। थैंक यू, थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस।